नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, उसका अर्थ, परिभाषा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के स्रोत और उससे बचने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश कर रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लेटोनियम, सीजियम, कोबाल्ट, स्ट्रॉन्शियम आदि रेडियो सक्रिय तत्व नाभिकीय प्रक्रियाओं के काम आते हैं। अतः इनके विकिरण से उत्पन्न खतरों को रेडियोधर्मी या नाभिकीय प्रदूषण कहा जाता है। धुआं, नालों की गंदगी, कारखानों से निकलने वाला अपजल से होने वाले प्रदूषण तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रमुख है, जो प्राणी जगत के लिए अत्यधिक हानिकारक है। परमाणु विस्फोटों के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ही अल्फा, बीटा और गामा कण भी प्रवाहित होते हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल, बाह्य पर्वत में प्रवेश कर जाते हैं और ठंडे होकर छोटे छोटे ठोस कणों के रूप में वायु में विसरित होकर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप हुए प्रदूषण को नाभिकीय अथवा रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। एमपी जमेट के अनुसार पर्यावरण में प्राकृतिक विकिरणों के बढ़ने को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। मैक्सवेल केई ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर अमोंग द मोस्ट टॉनिक मटेरियल नॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इंजेरियस इफेक्ट इन ए रेंज दैट माइट बी फिगरेटिवली रिप्रेजेंट ए क्वांटम जंप। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अक्षय स्रोत माना जाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण m=mc² के परिप्रेक्ष्य में न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में 16 जुलाई 1945 को प्रोजेक्ट के अग्रणी वैज्ञानिक ओपरहाइमर ने प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कर सिद्ध किया कि परमाणु के अत्यंत अल्प द्रव्यमान से असीमित ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। बड़े या भारी नाभिकों को गतिमान न्यूट्रॉन से विखंडित किया जाता है। यह भारी नाभिक विखंडित होकर दो छोटे नाभिक बनाते हैं और द्रव्यमान की क्षति के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से 5×10³³ मेगावाट जो 250 किलोग्राम कोयले से प्राप्त ऊर्जा के तुल उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त पीयू प्लूटोनियम थोरियम के विखंडन से इस ऊर्जा में भी वाष्पित जल से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो 20 टन टीएनटी से ऊर्जा के तुल है। 2000 किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। ये दुर्भाग्य है कि मानव ने इस असीमित ऊर्जा का परमाणु बम के रूप में इस्तेमाल ज़्यादा किया है। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारतीय वैज्ञानिक होमी जागीर भाभा ने सराहनीय प्रयास किया। भारत में इसी प्रयास के कारण विभिन्न परमाणु भट्टियों से सालाना लगभग 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो कुल उत्पादित ऊर्जा का 3% भाग है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका परमाणु संलयन है, जो दो छोटे परमाणुओं से उच्च ताप पर एवं दाब की अवस्था में बड़े आकार का नाभिक और परमाणु निर्मित होने को परमाणु संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। परमाणु संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा परमाणु विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा की तुलना में अत्यधिक होती है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एवं टाइटेनियम के संलयन से 20.6 मेगावाट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। समान द्रव्यमान की स्थिति में यह ऊर्जा विखंडन से 4.2 गुना अधिक होती है।
एक ग्राम ट्यूटेरियम एवं टाइटेनियम से संलयन से उत्सर्जित ऊर्जा 45 बैरल तेल से उत्सर्जित ऊर्जा के समान होती है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि संलयन हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना एक अत्यंतिक कठिन कार्य है। हम जानते हैं कि सूर्य से भी संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही असीम ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो आगामी 1,000 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा देने में सक्षम हो सकता है। वर्तमान में मांग एवं आपूर्ति के रूप में यूरेनियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल लगभग 100 वर्ष से हो सकता है। परमाणु ऊर्जा से सस्ती बिजली प्राप्त करने में उत्सर्जित विकिरण, राख आदि अत्यंत प्रदूषणकारी तक कैंसर आदि जैसे रोग उत्पन्न करने वाले अवशेष हैं। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी का अंत अभी तक नहीं हुआ है। रूस के चेर्नोबिल परमाणु भट्टी का हादसा भी अत्यधिक गंभीर था, अतः परमाणु ऊर्जा अत्यंत सावधानीपूर्वक काम में लाई जाने वाली ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा का आधार रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन की प्रक्रिया है, जो एक ओर तो अथाह शक्ति का स्रोत है और दूसरी ओर रेडियोधर्मी प्रदूषण का जन्मदाता है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। तो अब आते हैं रेडियो प्रदूषण के तत्व, कौन कौन से जो कारक हैं, तत्व हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के उत्तरदायी पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रेडियोधर्मी खनिज, नंबर 2 कॉस्मिक किरणें, नंबर 3 वायु से उत्पन्न होने वाली न्यूक्लाइड्स। रेडियोधर्मी पोटेशियम 40, यूरेनियम 238, थोरियम 232 पृथ्वी की परतों में काफ़ी हद तक उपस्थित है। परमाणु विस्फोट, परमाणु भट्टियों का कचरा, उनका रिसना रेडियोधर्मी प्रदूषण को जन्म देते हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ मुक्त परमाणु विद्युत केंद्रों, चिकित्सालयों, रेडियो समस्थानिक उद्योगों, आयुध उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट प्रदूषकों को सक्रियता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 न्यून सक्रियता वाले अपशिष्ट प्लास्टिक और सीसा, मध्यम सक्रियता वाले अपशिष्ट सीजेनियम 137, ट्रांसियम 90, निकिल 59 और कार्बन 141, उच्च सक्रियता वाले अपशिष्ट यूरेनियम और रेडियो न्यूक्लाइड। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत कहाँ से ये प्राप्त होता है, कैसे फैलता है? तो रेडियोधर्मी के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत। जो प्रकृति में मिलता है उसको प्राकृतिक स्रोत, और जो मानव के द्वारा मैनमेड साधनों से उत्पन्न हो रहा है उसको मानवीय स्रोत में। प्राकृतिक स्रोत प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों से आने वाले विकिरणों के द्वारा पार्थिव किसी विकिरण के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। सूर्य ग्रहण तथा विभिन्न खगोलीय घटनाओं के कारण हानिकारक किरणें निकलती हैं, साथ ही भूगर्भ में विद्यमान रेडियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, थोरियम, मोलिब्डेनम आदि भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा कोबाल्ट, कार्बन और ट्रांसियम भी इसके नेचुरल स्रोत हैं, जो पृथ्वी के अंतर्गत, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अपने आप ये विखंडित होते रहते हैं और सूर्य ये ऊर्जा पृथ्वी को देते रहते हैं। दूसरा है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोतों में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अणु बम आदि का परीक्षणों के फलस्वरूप रेडियो पदार्थ उत्पन्न होने से प्रदूषण होता है। ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों, रेडियो आइसोटोप जैसे आयोडीन, स्टांसियम, प्लेटियन, कोबाल्ट आदि का दवाइयों में उपयोग रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत हैं। एक्सरे मशीन तथा रेडियोग्राफी से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु शक्ति के उपयोग के साथ ही रेडियोधर्मी अपशिष्टों में भी भारी वृद्धि हो रही है। ये अपशिष्ट न्यून मात्रा में होने के उपरांत अत्यधिक प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खनन अपशिष्ट, वे अपशिष्ट जो यूरेनियम धातु की खदानों से बचे हुए रह जाते हैं। इस अपशिष्ट पदार्थ से गामा किरणों के विकिरण होने के साथ राडोन गैस भी उत्पन्न होती है, जो श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंच जाती है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नंबर 2 विघटित पदार्थ, फिजन प्रोडक्ट परमाणु भट्टी से विघटित पदार्थ के रूप में मिलते हैं। इस प्रक्रिया में उपयोग में ली गई हुई छड़ें होती हैं जो रेडियोधर्मिता से युक्त होती हैं और जो अत्यधिक हानिकारक अपशिष्ट होती हैं। नंबर 3 है क्रियात्मक उत्पाद, एक्टिवेशन प्रोडक्ट, जो रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आकर रेडियोधर्मी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए
द्रव ठंडे करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी रेडियोधर्मिता ग्रहण कर लेते हैं। जो द्रव ठंडे करने के लिए प्रशीतन के लिए काम में लिए जाते हैं इनको, तो उनमें भी उसका प्रभाव पहुंच जाता है। रेडियोधर्मिता स्तर के आधार पर इन अपशिष्टों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निम्न स्तरीय अपशिष्ट, वे अपशिष्ट जो तरल रूप में होते हैं जिनमें रेडियोधर्मिता बहुत कम होने के कारण जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। रेडियोधर्मिता न्यून होने के कारण बावजूद ये हानिकारक है। नंबर 2 है मध्यम स्तरीय अपशिष्ट, ये अपशिष्ट वो होते हैं जो घुलते नहीं हैं, इसलिए इन्हें अपशिष्ट प्रक्रियाओं में समाप्त किया जाता है या दफना दिया जाता है। नंबर 3, उच्च श्रेणी के अपशिष्ट नाभिकीय ईंधन की पुनः प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण के लिए सर्वाधिक खतरनाक हैं क्योंकि ये सैकड़ों वर्ष तक समाप्त नहीं होते हैं। तो ये हाई क्वालिटी के अपशिष्ट हैं जो लंबी प्रक्रिया के बाद में जीवित रहते हैं या एक्टिव रहते हैं। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, कि इसका किस प्रकार का मनुष्य पर, जीवों पर, वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की श्रृंखला में सबसे हानिकारक अभिशाप इस प्रदूषण का है, जबकि ज़्यादातर व्यक्ति इस प्रदूषण के बारे में अत्यधिक जागृत या इनको जानकारी नहीं है जितना कि वायु जल प्रदूषण के बारे में है। इस प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पर्यावरण पर होता है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा बन गया है। आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर मनुष्य ने अपने विनाश की स्वयं की तैयारी कर ली है, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने से आज भी भुगत रहे हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के तहत कर सकते हैं। नंबर 1, मानव पर प्रभाव, 2, पर्यावरण पर प्रभाव, जीवों पर प्रभाव, और 4 है संसाधनों पर प्रभाव। सर्वप्रथम आता है मानव पर प्रभाव। रेडियोधर्मी प्रदूषण में रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले विकिरण सबसे ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थों का अस्तित्व कुछ वर्षों से लेकर लाखों वर्षों तक होता है, जिनसे विकिरण होने वाली किरणों में अत्यधिक दुष्प्रभाव होता है। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव उसकी भेदन क्षमता व स्थिति पर निर्भर करता है। अधिक भेदन क्षमता वाले अल्फा विकिरण अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक हैं, शरीर के अंदर पहुंचने पर इनका प्रभाव अधिक होता है। बीटा विकिरण शरीर के भीतरी अंगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जबकि अल्फा विकिरण त्वचा द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिससे निम्न तालिका में हम परमाणु पदार्थों एवं विकिरणों की प्रवृत्ति को दिखाया गया है। पदार्थ उसका हाफ लाइफ क्या है और इससे कौन सा विकिरण निकलता है। पदार्थ है आपका कोबाल्ट-14, इसकी अर्ध हाफ लाइफ है 5568 वर्ष और इसे बीटा विकिरण निकलता है। कोबाल्ट-60, इसका भी जो है 5.5 साल है, इसमें बीटा और गामा निकलते हैं। हाइड्रोजन-3, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, इसमें 12.5 साल में इसका हाफ लाइफ है और बीटा विकिरण निकलते हैं। आयोडीन-131, 8 साल है बीटा और गामा। फास्फोरस-32, 14 साल है बीटा। प्लेटिनियम-239, 24,360 वर्ष, अब लगा लो दो इसका हाफ लाइफ है। और अल्फा गामा रेडियम-226, 1,622 वर्ष। अल्फा बीटा गामा स्टानसियम-90, 27 साल बीटा। यूरेनियम-235, 7,100 लाख। अब आप देखिए कब तक इसका असर रहेगा। अल्फा गामा यूरेनियम-238, 45 लाख वर्ष हाफ लाइफ अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप 2 प्रकार के विकिरण उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा है कणीय विकिरण। इन सभी विकिरणों के मानव पर खतरनाक प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं, जिनको हम आगे इस बिंदुवार दिया गया है। नंबर 1 है विकिरण के द्वारा DNA आनुवांशिक परिवर्तन हो जाते हैं, फलस्वरूप आनुवांशिक रोग एवं परिवर्तन के संकेत। नंबर 2, त्वचा पर खुजली एवं फोड़े हो जाते हैं। नंबर 3, त्वचा की ऊपरी परत अलग होकर धीरे धीरे घाव हो जाते हैं। नंबर 4, बालों को कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 5, परमाणु विखंडन के धुएं से मानव त्वचा पर फफोले हो जाते हैं तथा धुआं फेफड़ों में जाने से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। 6, रेडियोधर्मी विकिरण से जीन परिवर्तन म्यूटेशन हो जाता है। नंबर 7, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो सकती है। नंबर 8, आँखों के लेंस नष्ट होने से मोतियाबिंद व अंधे होने की आशंका रहती है।
नंबर 9 प्रजनन ग्रंथियों का निष्क्रिय होने से बंधता उत्पन्न हो जाती है। 10 इस वजह से विभिन्न बीमारियों जैसे एनीमिया, रक्तअल्पता, खून के थक्के जमना आदि हो जाता है। नंबर 11 रेडियोधर्मी आयोडीन I131 थायराइड ग्रंथि में एकत्र होकर कैंसर पैदा करता है तथा स्ट्रांसियन 90 हड्डियों में जमा होकर कैंसर को जन्म देता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यूरेनियम के खनन के दौरान पर्यावरण में प्रवेश करके पेड़ पौधे भोजन जल के द्वारा शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। 12 पर्यावरण पर प्रभाव, विखंडन से उस क्षेत्र का तापमान 10 से लेकर 40 डिग्री तक अधिक हो जाता है। अणुबम के विस्फोट से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो बादलों में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर बहुत कुछ नष्ट कर देती है। नेक्स्ट जीवों पर प्रभाव, वृक्षों के साथ कार्बनिक यौगिक मिलने से जटिल यौगिक बन जाते हैं। रेडियो विकिरण पौधों से चिपक कर उनके तत्वों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे वृक्षों के फल और पत्तियों के सेवन से तंत्रिका तंत्र में विभिन्न रोग, ल्यूकेमिया, बोन कैंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों पर प्रभाव, कृषि फसलें संग्रहित ईंधन, तेल, गैस के भंडारों का विनिष्टीकरण की आशंका बढ़ जाती है। परमाणु भट्टियों से निकले कचरे से विसर्जित करना एक विश्वव्यापी संकट बन गया है। कोबाल्ट, स्ट्रांसियम, थोरियम, कार्बन आदि से प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के विस्फोट से निकले रेडियोधर्मी पदार्थों से भारी संसाधन क्षतिग्रस्त होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के उपाय, ये तो उसके प्रभाव थे, अब इनको किस प्रकार से रोका जाए, कैसी सावधानी बरती जाए। विश्व के विकसित राष्ट्र सहित विकासशील देशों में परमाणु बिजली घर एवं परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय अपशिष्टों से अत्यधिक मात्रा में पर्यावरण एवं जनसंख्या के लिए चिंता का विषय है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। 1 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परमाणु युद्ध एवं परमाणु बम बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 2 वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल पर किसी प्रकार के नाभिकीय परीक्षण बंद कर देने चाहिए। 3 रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने वाले जैसे स्ट्रांसियम, थोरियम, कार्बन आदि पर नियंत्रण करना चाहिए। 4 परमाणु को समुद्रों में विसर्जित नहीं किया जाए। 5 रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क में कम से कम आना एक्सरे रेडियोथेरेपी अत्यावश्यक होने पर भी करवानी चाहिए। 6 रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभावों से लोगों को परिचित करवाना, पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा तथा औषधि विज्ञान से जोड़ना। 7 सरकार को समय समय पर पर्यावरण में रेडियो विकिरण एवं प्रदूषण की जांच करवानी चाहिए। 8 परमाणु पदार्थों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा, कृषि क्षेत्रों में मानव मात्र के हितों तक ही सीमित होना चाहिए। 9 परमाणु ऊर्जा खनिजों के उत्खनन, परिवहन, भंडारण के दौरान विकिरण रोकने के उपाय किए जाएं। और 10 रेडियोधर्मिता के प्रभाव क्षेत्रों के निकट मनुष्य एवं जीव जंतुओं के विचरण पर रोक लगानी चाहिए। तो ये थे परमाणु जो विकिरण है, परमाणु पर जो प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, उसको रोकने के उपाय, सावधानियाँ। तो आज की इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके स्रोत, उसके कौन कौन से इसका प्रभाव और उसको रोकने के उपाय। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।